उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पहासू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 15 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही हुई मौत। मेरा नाम त्रिवेंद्र कुमार है और इस बगराई खोर्द। क्या मामला हुआ? किस तरह से एक्सीडेंट? मामला ये है सर, ये बच्ची भैंसों के लिए चारा लेके जा रही और ये इधर से गई है, अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। दो औरतें और इनके साथ थी, तब रास्ते में ही एक बस वाले ने, जो यहाँ पे खड़ी हुई है, पहासू से खुर्जा के लिए जा रही थी, वो उसको टक्कर मार दी। टाइम लगभग 1:45 का होगा और वो लड़की मौके पे ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम सभी गांव के आए, हमने प्रशासन के लिए रोका ताकि प्रशासन आए और दो ढाई घंटे में आया ताकि अपना कागजी कार्रवाई हो सके और जो भी क्लेम वगैरह है उस लड़की को मिले। बस ड्राइवर पकड़ लिया गया या फरार है? नहीं, बस ड्राइवर तो मौके से ही फरार हो गया। अगर पकड़ में आ जाता तो हम उसको फिट कर देते, पीड़िता का परिवार फिट कर देते। आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, कौन सा गांव है ये? बगराई। क्या मामला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है? क्या मांग को लेकर के जाम लगा? दरअसल क्या है, लड़की चारा लेके आ रही थी, पीछे से बस ने टक्कर मार दी तो उनका जो है हैंड टू हैंड उनको ख़त्म हो गई लड़की। अच्छा। फिर लोगों ने जाम लगा दिया कि भाई इसका जो यहीं पर निपटारा किया जाए। अभी CO साहब आए, SO साहब, इन्होंने बोला है कि इनका पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराया जाएगा, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गाड़ी पकड़ी हुई है यहीं पे, ड्राइवर को बुलाया जाएगा, उसको भी जेल भेजा जाएगा। तो पूरा मदद का आश्वासन दिया गया। एक्सीडेंट हुआ है, कुछ देर यहाँ जाम लगा दिया गया, तो क्या है मामला पूरा? देखिए, पासू रोड में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती। कुछ देर के लिए जाम लगा था, जाम खुलवा दिया गया, अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं। पोस्टमार्टम के लिए जा रहा सर? तत्काल पोस्टमार्टम को बॉडी भेज रहे हैं।